पानीपत के जिला सचिवालय में स्थिति उस वक्त और भी ज्यादा मुश्किलों वाली हो गई जब नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के पक्ष और विपक्ष में भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर बुलाया गया, यानी कि यहां पर पक्ष भी था और विपक्ष भी, और दोनों ही मुखर हो गए। युद्धों की भूमि रहे पानीपत में मोदी सरकार के बड़े फैसले, नागरिकता संशोधन बिल पर पक्ष और विपक्ष में एक ही समय दो अलग अलग प्रदर्शन होने से प्रशासन की सांसें फूल गईं। स्थिति को देखते हुए जिला सचिवालय में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। कई जन संगठनों ने नागरिकता संशोधन बिल और राष्ट्रीय पंजीकरण रजिस्टर को रद्द करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। पहले ये लोग, ककोरी मिशन जो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर शहीद अशफाकुल्ला खान, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, आज के दिन, आज उनका बलिदान दिवस है, आज के दिन उनको 1927 में फांसी दी गई थी, जो कि हमारी सांझी विरासत है, सांझी शहादत है कि आज़ादी के आंदोलन के अंदर सब शहीद लोगों ने धर्म से, चाहे किसी भी धर्म से थे, मिलजुल कर जो है उन्होंने बलिदान दिए थे, और आज उसकी जो है, जो हमारी धरोहर है उसको तोड़ा जा रहा है धर्म के नाम पर। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो ये नागरिकता कानून जो है लागू किया जा रहा है देश के अंदर, एनआरसी और सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये एक धोखा है नोटबंदी की तरह। दूसरी तरफ वो लोग जुट गए जो ये दलील दे रहे थे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। दरअसल ये वो लोग हैं जो गायत्री, गो, गंगा और गीता की दलीलें देते हैं। सरकार के खिलाफ अगर विपक्ष एकजुट हो गया है तो अब सरकार के पक्ष के संगठन भी सक्रिय हो गए हैं, यानी सियासी वार पलटवार का दौर। ये बिल सीधा सीधा दूसरे देश के जो घुसपैठिए हैं उनको रोकने के लिए है, ना कि इस देश के किसी मुस्लिम के लिए या किसी सिख के लिए या किसी हिंदू के लिए। किसी का इस बिल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी हिंसा भड़क रही है तो मोदी जी को और अमित शाह जी को सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग राजनेता भी हैं उनमें, और मैं कहूँगा मुसलमान भी हैं, जो इस देश का, भारत कान पानी खा करके गीत पाकिस्तान के गाते हैं। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन बिल और राष्ट्रीय पंजीकरण रजिस्टर के विरोध में अभी तक पानीपत या दूसरे जिलों में कोई खास हलचल नहीं थी, पर पानीपत में विरोध और पक्ष में प्रदर्शन और दलीलें देने के बाद दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी सियासत शुरू हो गई है। एक नजर जरा इधर भी। सहयोगी दीपक त्यागी के साथ पानीपत ब्यूरो की रिपोर्ट।